कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप और बड़सर में हुई कोरोना मरीज की मौत के बाद हमीरपुर जिला प्रशासन ने अब निजी क्लिनिक और आरएमपी क्लिनिक को हिदायतें जारी की हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अब जिला हमीरपुर में कोई भी खांसी, जुखाम, बुखार या फ्लू के मरीजों की कोरोना जांच करवानी अनिवार्य होगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई भी निजी क्लिनिक का रुख करता है तो उनका पूरा डेटा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को देना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धाओं के एंटीजन टेस्ट भी करवाए जाएंगे ताकि पता लगाया जा सके कि फ्रंटलाइन वर्करों की संपूर्ण जांच हो सके। तो यहाँ मेरा इश्यू ये है, एक जो मेन इशू है, मैं यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ को एक मैसेज आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे जिला में जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, हमने यहाँ से आदेश जारी किए हैं कि सब में फ्लू क्लिनिक होना चाहिए। फ्लू क्लिनिक से जो भी खांसी जुकाम का पेशेंट आता है उसकी सबसे पहले फ्लू क्लिनिक में स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और हमने हमारे आदेशों में हमने एक विद परफॉर्मा भेजे हैं कि उसकी हमें डेली रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए कि भेजनी पड़ेगी कि आपके आज फ्लू क्लिनिक में कितने केसेस आए। बट हाँ, जैसे वो छोटा प्रैक्टिशनर था जहाँ है, तो वहाँ अगर माना कि ही इज ए सिंगल प्रैक्टिशनर, उतना बड़ा सेटअप नहीं है, वी अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, तो इन दैट केस यहाँ मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, डायरेक्शंस भी रहेगी कि ऐसा कोई खांसी जुकाम या ILI का पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें, तो ताकि हम इस तरह की डेथ्स को अवॉइड कर सके। क्योंकि ऐसा है, जब तक ये ऐसा चलेगा कि ट्रीटमेंट देके घर भेज दिया और कंसर्न्ड हेल्थ अथॉरिटी या कंसर्न्ड हेल्थ स्टाफ को उसका पता नहीं चलेगा, तब तक ये ऐसे केसेस मिस होने की संभावना है। और जब तक वो लेडी हमारे पास पहुंची है, शी वॉज इन वेरी बैड शेप, क्रिटिकल शेप, वहां से उनको बचाना या उस वक्त अगर ऐसा सोचे कि कहीं बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना आधे घंटे के स्पैन में, इट वॉज नॉट पॉसिबल। रादर वहीं उनको बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी दी गई है। कुछ समय से हमारे पास 3 लैब्स फंक्शन कर रही हैं। एक तो हमारी RT-PCR लैब जो हमारे जिला में स्टार्ट हो चुकी है, हमारे जिला के टेस्ट अब यहीं हो रहे हैं, कहीं बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ एक TrueNet मशीन है हमारे मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल हो चुकी है, और उसमें भी हम बहुत जल्दी टेस्ट होके एंटीबॉडी टेस्ट करके एकदम से पता लगा लेते हैं कि क्या उसको इन्फेक्शन है कि नहीं। तो ये सब प्रोविजंस हैं। और तीसरा मैं बोलना चाहूँगी कि एक अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है SRL लैब को, SRL लैब को एंटीजन टेस्ट करने के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। बट उस इट हैज़ नॉट स्टार्टेड फंक्शनिंग येट, बट इट हैज़ बीन नोटिफाइड। मे बी जैसे ही किट्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ये मैं बिकॉज आई हैड ए टॉक विद SRL ऑल्सो, तो जैसे ही वो हो जाएगी तो आई थिंक वी विल वो लैब भी एक फंक्शन हो जाएगी और स्टार्ट कर देगी फंक्शनिंग, और भी हमारे जिला में सहूलियत हो जाएगी। As far as sample testing teams are concerned, हमारे पास government sector में 17 teams हैं जो जगह जगह sample ले रहे हैं। इसके अलावा हमने health worker level तक training दे दी है sample लेने की, अगर ऐसी situation आ जाती है। Logistics की हमारे पास कहीं कमी नहीं है at any level, तो हमारे health worker भी sample ले सकते हैं। इसके साथ ये फायदा होगा। CMO अर्चना सोनी ने कहा कि जिला हमीरपुर में अब तक 575 केस कोरोना के पाए गए हैं और इनमें से 458 स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 119 केस कोरोना पॉजिटिव के अभी चल रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में 28 लोगों को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन करवाने से पहले पूरी एहतियात बरती जा रही है और सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में आज तक 22,838 सैंपल लिए जा चुके हैं। कोरोना को लेके मैं यहाँ ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे जिला में अभी तक 575 केस टोटल आ चुके हैं और उनमें से 458 के आसपास हमारी रिकवरी है। रिकवरी रेट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, इट इज़ अराउंड मोर देन 85%, अच्छा रिकवरी रेट चल रहा है। इस वक्त आज की डेट में हमारे पास 119 केसेस हैं जो एक्टिव हैं, और एक्टिव केसेस हमारे
अब चार जगहों में हो रहे हैं, एक एक तो दो तो हमारे डीसीसीसी हैं, डीसीसीसी एनआईटी एंड साइंस सदन, और जो हमारे सिम्टोमेटिक से सीरियस केसेस होते हैं वो हमारे डीसीएचसी में जाते हैं, भोटा में जाते हैं। और चौथा, जैसा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, अब हम जो एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको और जिनमें घर घर में आइसोलेट होने की फैसिलिटी है और उनमें कुछ कैटेगराइजेशन है, तो उन लोगों को हम घर में भी आइसोलेट कर रहे हैं। आज की डेट में अगर मैं बोलूं तो अराउंड 28 लोग हैं हमारे पास जो हमने होम आइसोलेशन में किए हुए हैं। उनसे हमने सर्टिफिकेट भी लिए हैं कि क्या उनके पास वो सुविधाएं हैं और उस ढंग से, और उनका घर थोड़ा आइसोलेटेड है, प्रधान को भी बताया गया है, उस एरिया के वार्ड पंच को भी बताया गया है, और उस ढंग से हम उनको आइसोलेट कर रहे हैं। जहाँ तक मैं सैम्पलिंग की बात करूँ तो अगर मैं अपने जिला का बोलूं तो आज तक हम 22,838 सैंपल ले चुके हैं। सीएमओ ने बताया कि अगस्त माह में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले हमीरपुर में आए हैं। इनमें 12 केस मेडिकल कॉलेज के भी हैं और 6 पुलिसकर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े को देखते हुए अब एहतियात बरती जा रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट के लिए हमीरपुर जिला में अब एसआरएल लैब को भी एंटीजन टेस्ट के लिए अधिकृत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और जल्द ही टेस्ट यहां होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अगस्त की फिगर बोलूं तो इट इज अराउंड 276 लोग हैं जो हमारे अगस्त के महीने में ही पॉजिटिव आ चुके हैं, क्योंकि ये लॉक अनलॉक भी शुरू हो गया है, सारी चीज़ें हैं, अब पास की मतलब कॉमन हो गया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट सब खुल गई हैं, तो इसलिए इन कीपिंग इन व्यू ऑल दीज फैक्टर्स हमारे ये केसेस थोड़े बढ़ने लग पड़े हैं। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आजकल हमारे यहाँ थोड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पॉजिटिव आ गए हैं, तो हमारे पास 18 लोग हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनमें 6 पुलिस पर्सन्स भी हैं जो हमारे यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं। और हम और भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, देख रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पॉजिटिव होने का कॉज क्या रहा है, कैसे हुए हैं, और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको हम टेकअप भी कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में हम और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज़ यहाँ करना और मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे पास डेथ्स बढ़ गई हैं, 5 डेथ्स हो गई हैं, और इस महीने में हमारे पास अभी 28th को एक ऐसी डेथ हुई है जिससे हमारे जिला में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा हम परेशान हो, मतलब बेसिकली हम थोड़े से सोच रहे हैं कि कैसे, हाउ इट हैपन्ड,